नमस्कार। वर्ग 8 के गणित के पाठ राशियों की तुलना के एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह का यह पार्ट 1 वीडियो है। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वे हैं बोर्ड मॉडल प्रश्न जो जैक के द्वारा जारी किए गए थे, पिछले वर्षों में क्लास 8 के जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं और विभिन्न छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा? तो जो आलू सड़ा है उसकी मात्रा हम निकाल लेंगे तो हमें बचे हुए आलू की मात्रा पता चल जाएगी। तो आइए निकालते हैं, सड़े आलू की मात्रा, तो ये है 250 किलो ग्राम का 10%। ये आलू सड़ा है अर्थात 250 गुना 10% का मतलब हो गया 10/100। तो ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, तो ये 25 किलोग्राम आ गया, 25 किलो ग्राम। तो जो शेष आलू की मात्रा जो बच गई है, शेष आलू की मात्रा, तो जो कुल आलू हमारा था 250 किलो, उसमें से घटा दे रहे हैं 25 किलो, तो ये हमारा आ गया 225 किलो ग्राम। तो यही हमारा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। यहां क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, किसी राशि पर मिश्र धन ए ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहां देखिए यह सूत्र लिखा हुआ है, यहां एन इसमें संकेत जो एन है वो क्या है, ये प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है समय, दूसरा वर्ष की संख्या, तीसरा ब्याज संयोजित होने का वर्ष और चौथा अर्धवार्षिक ब्याज की संख्या। तो ये होता है ब्याज संयोजित होने की संख्या। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया है, 5% बिक्री कर जोड़ने पर कैंची का विक्रय मूल्य क्या हो गया है? तो पहले हम बिक्री कर निकालते हैं, बिक्री कर, तो बिक्री कर होगा 40 रुपया का 5%, अर्थात 40 × 5/100। तो ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, तो 5 से हम 10 को करेंगे तो 2 बार और 2 से ये 4 को तो 2 बार, तो 2 रुपया बिक्री कर 2 रुपया हो गया और खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य था 40 रुपया। तो इसमें हम बिक्री कर को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर ये क्रय मूल्य जोड़ बिक्री कर। तो क्रय मूल्य था 40 रुपया और बिक्री कर 2 रुपया, तो ये हो गया 42 रुपया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 42 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिक्री के कारण 500 रुपया में बिकने वाली शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई, अब शर्ट का दाम कितना होगा? तो सबसे पहले जो कुल कमी हुई है उसे हमें निकालना होगा, तो उसे निकालते हैं, दाम में
कमी। तो ये हो रहा है 500 रुपया का 30%, अर्थात 500 गुना 30/100। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य कट गया, तो ये 5 × 30 हो गया 150 रुपया। तो शर्ट के दाम में जो कमी हो रही है 150 रुपया हो रही है, तो शर्ट का दाम क्या होगा? शर्ट का दाम, तो जो कीमत था 500 रुपया, इसमें कमी हो जा रहा है 150 रुपया, जिसे हम घटा दे रहे हैं, तो ये आ जा रहा है 350 रुपया। तो हमारा आंसर आ गया शर्ट का दाम 350 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा? तो ये बट्टा आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन आप इसे जानते हैं। आप देखते होंगे दुकानों में लिखा रहता है छूट, और इंग्लिश में रहता है डिस्काउंट। गणित में इसी डिस्काउंट को हम बट्टा कहते हैं। तो 20% छूट दिया जा रहा है, तो इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा? क्रय मूल्य में से 20% घटेगा, दूसरा विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा, तीसरा है अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, और चौथा ऑप्शन है तीनों ए बी और सी सही है। तो यह जो छूट दी जाती है, आपने भी जब कुछ सामान खरीदा होगा तो आपको भी छूट मिला होगा। तो छूट किस पर दिया जाता है? जो वस्तु पर लिखा रहता है, जो अंकित रहता है मूल्य, उसी पर छूट दिया जाता है, और उसी में से वो घटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। तो ये छूट कितनी दी जा रही है? 30% छूट दी जा रही है। तो हम पहले जो बट्टा है यानी छूट है उसे हम पहले निकाल लेंगे, और अंकित मूल्य से उसको घटा देंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आइए पहले हम बट्टा निकालते हैं, वास्तविक बट्टा। ये जो बट्टा दिया हुआ है यहां प्रतिशत में है, हमें वास्तविक बट्टा निकालना है। तो वास्तविक बट्टा हो जाएगा 4,500 रुपया का 30%, यानी 4,500 × 30/100। ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, ये शून्य कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3×5 15, हाथ में रहा 1×3×12 और 1×13 और 1 शून्य, यहां पर 1,350 रुपया ये बट्टा मिल रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा टीवी का? विक्रय मूल्य बराबर जो अंकित मूल्य है, चलिए फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, अंकित मूल्य घटाओ बट्टा। तो अंकित मूल्य है 4,500 रुपया, इसमें से हम बट्टा घटा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3,150 रुपया। तो ये वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1,200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है PRT/100। यहां P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, R है रेट यानी दर, और T है समय। तो यहां जो मूलधन है वो है हमारा 1,200 रुपया, ये 1,200 रुपया
मूलधन है, दर है 6.12%, यानी 13/2, तो इसे यहां लिखेंगे 13/2, और समय है एक वर्ष, और बटा में 100 है तो यहां पर 100 लिख देंगे। तो ये शून्य कैंसिल हो गया, ये शून्य कैंसिल हो गया, तो 2 से 12 को काटेंगे 6/12 में, तो 13/6 ये 78 रुपया हो गया। तो ये साधारण ब्याज कितना आ गया है 78 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8, 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो जो प्रतिशत होता है ना, कुल प्रतिशत 100 ही होता है ना? तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, 100 से ये 72 घटा देंगे, तो 100 से जब 72 घटा देते हैं तो ये आता है 28। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? 28%। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, अब फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है? तो यहां छूट निकालना है, कितना छूट दिया जा रहा है, तो आइए निकालते हैं, बट्टा बराबर 440 रुपये का 20%, अर्थात 440 × 20/100, तो ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 88 रुपया, बहुत आसान है। तो ये बट्टे की कुल राशि जो पूछी जा रही थी वो हमारी आ गई 88 रुपया, ये ऑप्शन नंबर 3। ये एक स्कूटी का अंकित मूल्य, यहां पर एक शून्य छूटा हुआ है, देखिएगा 80,000 रुपया है, 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये जीएसटी क्या होता है, एक टैक्स होता है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो सबसे पहले हम जीएसटी निकाल लेंगे और उसे अंकित मूल्य में जोड़ देंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये निकालते हैं, जीएसटी बराबर 80,000 रुपये का 20%, अर्थात 80,000 × 20/100, तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य कट गया, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपया। तो स्कूटी का जो विक्रय मूल्य होगा ये हो जाएगा 80,000 जो अंकित मूल्य है, और इसमें हम 16,000 जो जीएसटी है इसे जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 96,000, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा, तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां बट्टा पहले निकाल लेंगे और फिर उसे अंकित मूल्य से घटा देंगे, तो हमारे विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो निकालते हैं, बट्टा बराबर, तो ये 700 रुपये का 10%, तो ये हो जाएगा 700 × 10/100, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य, तो ये हो जाएगा 70 रुपया। तो विक्रय मूल्य
तो जो अंकित मूल्य है 700 ये लिखे और इसमें से ये बट्टा घटा दे रहे हैं 70 रुपया, तो ये हमारा आ जा रहा है विक्रय मूल्य कितना 630 रुपया। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई, नया मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले जो मूल्य वृद्धि होगी उसे हम निकाल लेंगे, और जो पेट्रोल का कीमत है अभी 80 रुपया इसमें जोड़ देंगे तो हमारा नया मूल्य निकल जाएगा। मूल्य वृद्धि, चलिए मूल्य वृद्धि, तो मूल्य वृद्धि है, ये पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो आप पूरा यहां पर लिख लेंगे, पेट्रोल के पेट्रोल की मूल्य वृद्धि ऐसा करके लिखेंगे, कि यहां उसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। 80 रुपये का 5%, तो ये 80 × 5/105% का ये हो गया अर्थ, ये शून्य शून्य कट गया, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 2 से इसे काटेंगे 4 बार में, तो ये आ गया 4 रुपया। तो नया मूल्य 80 रुपया पहले था, अब जो कीमत बढ़ गया वो 4 रुपया, यानी अब कीमत क्या हो जाएगा 84 रुपया, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। 13 बहुत आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र क्या सूत्र है? तो ये पहला नंबर है ऑफ कोर्स, अनुपात है 4:25 को प्रतिशत में बदलने पर होगा। तो इसको प्रतिशत में बदलने का ये तरीका है कि इसे हम लिखेंगे 4/25, 4:25 को 4/25 और गुना यहां पर 100, तो 25 × 100 यानी 4×16%, ये हमारा आ गया 16%। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन के जैसा है, पहला नंबर भी हमने हल किया था इसी टाइप का था, 200 किलोग्राम टमाटर में से 20% टमाटर सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना टमाटर बचा? तो पहले जो सड़ गया है उसे हम निकाल लेते हैं उसकी मात्रा, तो सड़े टमाटर की मात्रा, तो ये हो जाएगा 200 किलोग्राम का 20%, यानी 200 × 20/100, ये शून्य कट गया, तो ये आ गया 40 किलोग्राम। तो शेष टमाटर की मात्रा, या मात्रा कहें शेष टमाटर की मात्रा, पहले हमारे पास कितना था 200 किलोग्राम था और इसमें से सड़ गया कितना 40 किलोग्राम, ये घटा दे रहे हैं तो ये आ गया 160 किलोग्राम। तो अब 160 किलोग्राम टमाटर हमारा बच गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। आशा है कि ये प्रश्न आपको, इनके जो हल हमने प्रस्तुत किए वो आपको काफी समझ में आ गया होगा। अभी और कुछ प्रश्न इस पाठ से बचे हुए हैं जो आने वाले वीडियो में रहेंगे, जो और जो पाठ बनेगा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद और भी कुछ पार्ट बनेगा इस पाठ से, तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।